नमस्कार दोस्तों, आज आप देख रहे हैं फास्ट समाचार और हमारे फास्ट समाचार में आज हमारे साथ हैं जनपद सदस्य मनोज रघुवंशी जो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं। ऐसे हमारे मनोज रघुवंशी जी का स्वागत है फास्ट समाचार में। मनोज जी आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी की जो रैली चल रही है और क्या तैयारियां चल रही है चुनावों को लेकर, क्या तैयारी रहेंगी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें केंद्र में हो या राज्य में हो तो वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी है। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का ध्येय था कि जो अंतिम छोर का व्यक्ति है उसको ऊपर उठाने के लिए, उसके उत्थान के लिए सरकार को योजनाएं बनाना चाहिए। तो जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वो सरकार गरीब के लिए योजनाएं बनाती है और उनको जमीन तक पहुंचाने के लिए पार्टी कार्यकर्ता एवं शासन प्रशासन इसमें लगा रहता है। जब चुनाव आता है इसके पहले पार्टी इन योजनाओं की समीक्षा भी करती है, इससे आगे भी समीक्षा योजनाएं बनाई जाए एवं पार्टी जनता के बीच में जाकर अपने की हुई कार्य का आशीर्वाद ले रही है जनता से कि जो हमने कार्य किया है उसका हमको आशीर्वाद मिलना चाहिए। ये जन आशीर्वाद यात्रा उसी के परिणाम है। वर्तमान विधायक वीरेंद्र रघुवंशी जी पार्टी छोड़कर चले गए हैं, कांग्रेस में शामिल हो गए हैं कई समर्थकों के साथ, इसके बारे में क्या कहोगे? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, इसमें नेताओं का कोई महत्व नहीं है। विधायक जी पहले भी कांग्रेस में थे, कौन आता है कौन जाता है कोई अंतर नहीं पड़ता है, वो जे कहना गलत है। भारतीय जनता पार्टी का मूल कार्यकर्ता विधायक जी के साथ एक आध गया होगा, इसके बाद जो उनके लोग थे आए थे कांग्रेस में अभी वो चले गए हैं। मूल कार्यकर्ता जैसे कि वर्तमान पूर्व में रहे जिला पंचायत अध्यक्ष दीपेंद्र गोटू भी पार्टी छोड़कर चले गए, जो तो पूरी तरीके से स्टार्टिंग से ही वो भारतीय जनता पार्टी के एक सिपाही रहे या कई दायित्वों पर रहे हैं, उनके भाई वगैरह और सभी लोग। आपको कहना है उससे तय क्योंकि विधायक देवेंद्र जी के वो भाई हैं और देवेंद्र जी पार्टी में शुरू से कार्य कर रहे थे और देवेंद्र जी आज भी साथ हैं। उनके परिवार से ही कोई सदस्य नहीं है, वो गोटू जिला पंचायत अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ने बनाए थे, उनकी थोड़ी महत्वाकांक्षाएं बढ़ चुकी थी। अब अगर उनकी इधर महत्वाकांक्षा पूरी होती नहीं दिख रही थी तो वो कांग्रेस में चले गए, लेकिन उनके साथ भी भारतीय जनता पार्टी का मूल कार्यकर्ता कोई नहीं गया। रघुवंशी समाज से वीरेंद्र रघुवंशी आते हैं, उन पे क्या असर बैठेगा वोटरों पे रघुवंशी समाज पे? क्या कांग्रेस में जाएंगे रघुवंशी समाज के वोट, कहां जाएंगे? रघुवंशी समाज में न किसी नेता का असर बैठने वाला, न वीरेंद्र सिंह जी का। रघुवंशी समाज हिंदुत्व की बात करता है, भगवान श्री राम का भव्य मंदिर भारतीय जनता पार्टी की बगल में बन रहा है, इसलिए रघुवंशी समाज अधिक से अधिक भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा। ना वीरेंद्र जी के आने से अंतर पड़ेगा, ना जाने से पड़ेगा, समाज में इसका कोई अंतर नहीं पड़ेगा। जो रघुवंशी समाज के लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज रघुवंशी जी, हमारे साथ थे जनपद सदस्य मनोज रघुवंशी और वरिष्ठ भाजपा नेता हैं, जिला कार्यकारिणी सदस्य हैं, भारतीय जनता पार्टी के काफी टाइम से क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं। हमारे मनोज रघुवंशी जी आज हमारे साथ जुड़े हुए थे। नमस्कार।